हे एवरीवन, वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिकी उमनिया। तो आज हम लोग ट्रिक बनाने वाले हैं इक्विसिटम हाई मेल का। ठीक है, तो इक्विसिटम जो हम लोग उसका डायग्राम याद कर सकते हैं, जो कि हम लोग क्लास 11 के बुक में भी दिया हुआ था। ये इक्विसिटम ये है ना, तो ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी जैसा नहीं कि एक इक्वालिटी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो वैसे ही इसको याद करना है। तो इक्विसिटम को कैसे याद करना है, इक्वालिटी। इक्वालिटी किसके लिए हम जनरल करते हैं, फीमेल्स के लिए करते ना, तो ये क्या है, फीमेल कंप्लेंट्स के लिए इक्विसिटम जनरली होता है। तो इक्विसिटम का पूरा नाम कैसे याद करेंगे, इक्विसिटम फीमेल रेमेडी है, उसमें क्या बोलते हैं, हाई मेल। ठीक है, हाई मेल ऐसे करके, तो हाई मेल इक्विसिटम हाई मेल, तो उसका कॉमन नेम हो जाएगा स्कोरिंग रश। स्कोरिंग रश इक्वालिटी के लिए, सब फीमेल लोग क्या चाहती है कि उनको स्कोर करना अच्छा अच्छा, इसके लिए रश रहता है, बहुत हड़बड़ी रहता है, स्कोरिंग अच्छा करना है उनको, उसके लिए इनका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, स्कोरिंग रश। ठीक है, स्कोरिंग रश इनका कॉमन नेम हो गया। यूरिनरी सिम्टम्स के लिए ये पूरा है, बस इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है यूरिनरी सिम्टम्स का ही। तो सबसे पहले इसमें हम लोग को जो मेन सिम्टम्स याद करना है, तो सबसे पहले क्या था, इक्विसिटम। इक्विसिटम मेल वाला जैसे दिखता है, तो इसको कैसे याद कर सकते हैं कि एक ओल्ड लेडी है जिसका मतलब जिसका हस्बैंड नहीं है, तो सेक्सुअली अनसेटिस्फाई है, तो इसीलिए वो अदर वेज यूज़ करती है अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए। तो इसमें अलग अलग कौन कौन सा है, अलग अलग इसमें है। सबसे पहले तो जैसे इसको यूज़ करती है, ठीक है, तो इसको यूज़ करते हैं तो उसे क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा वो शार्प है, शार्प एंड है, तो उसके कारण क्या होता है, उसको चोट लग जाता है, तो उसके कारण है पैरालिसिस ऑफ द ब्लैडर इन द ओल्ड वुमेन। ठीक है, पैरालिसिस हो गया ब्लैडर ऑफ द ओल्ड वुमेन। और इसके लिए हम लोग को एक सेंटेंस याद करना पड़ेगा, क्या, कॉन्स्टेंट डिज़ायर इनटॉलरेबल अर्ज फ्रिक्वेंट, और फिर उसने क्या यूज़ किया था, शार्प इक्विसिटम यूज़ किया था, जिसके कारण उसको क्या हुआ, बहुत ज़्यादा पेन हुआ, सीवियर पेन हुआ। तो सबसे पहले हम लोग क्या है, कॉन्स्टेंट डिज़ायर फॉर यूरिनेटिंग, एक ये याद करना था, कॉन्स्टेंट डिज़ायर फर्स्ट। ठीक है, कॉन्स्टेंट डिज़ायर इनटॉलरेबल अर्जिंग, ठीक है, फर्स्ट ये हो गया, फ्रिक्वेंट एंड इनटॉलरेबल अर्जिंग फॉर यूरिनेट विद सीवियर पेन एट द क्लोजिंग ऑफ द यूरिनेशन। ऑफकोर्स अगर इक्विसिटम को यूज़ किया गया है रॉन्ग वे के लिए, तो फिर वो हार्म किया ही होगा, तो जब वो बंद होगा तो पेन तो होगा, वहाँ पे कुछ चोट लगा ही होगा, तो चोट लगा होगा तो पेन होगा ही, तो क्लोजिंग ऑफ द यूरिनेशन में भी प्रॉब्लम होगा। और ये हो गया, फर्स्ट हो गया कॉन्स्टेंट डिज़ायर, देन सेकेंड इनटॉलरेबल अर्ज, देन वो फ्रिक्वेंटली उसको करने लगी, तो उसके कारण क्या हुआ, उसका बहुत ज़्यादा शार्प बर्निंग, शार्प था ना इक्विसिटम वॉज शार्प, तो पेन कैसा होगा, उसका शार्प होगा, शार्प बर्निंग कटिंग पेन इन द यूरिथ्रा वाइल यूरिनेटिंग। ठीक है, और जो पैरालिसिस ऑफ द ब्लैडर इन द ओल्ड वुमेन हुआ था, तो उसके कारण क्या हुआ कि एनोरेशिया डायूरिया एट नॉक्टोरियम, मतलब इनवॉलंटरी यूरिनेशन एट नाइट हो रहा है, उसके फर्स्ट प्रोफ्यूस वाटर यूरिन होगा, बट इसके कारण क्या होगा, कोई इसका पैथोलॉजिकल रीज़न नहीं है, मीन्स कोई पैथोलॉजिकल काउज नहीं है इनवॉलंटरी यूरिनेशन होने का। यहाँ पे इक्विसिटम आ जाएगा।